ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये भाई की फीलिंग्स है, समझ रहे हो। आज जैसे कि 23 अगस्त है और मेरा बिल्कुल मूड नहीं हुआ था बहुत दिनों से वीडियो बनाने का, ब्लॉग शूट करने का। आज संडे था तो सोचा क्यों ना आज ब्लॉग शूट किया जाए। दो दिन पहले हमें द मैन कंपनी की तरफ से दूसरा प्रोडक्ट रिसीव हुआ था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई को ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ है द मैन कंपनी की तरफ से, हैंड वॉश है, एलोवेरा और लेमन का हैंड वॉश है। इसका हमें वीडियो शूट करनी है, पहले मैं इसे खोल के देख लूँ मतलब कैसी खुशबू आ रही है इसकी। जब तक हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हम दूसरों को कैसे बताएंगे कि हाँ ये अच्छा है। भाई यूज़ करके देखता हूँ, है ना, कैसे होता है, कहाँ से होता है यूज़। बाकी जो इस प्रोडक्ट का रिव्यू है वो बाद में हम अपनी इंस्टाग्राम वीडियो में तो बता ही देंगे। आप लोगों ने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे यूज़र नेम मेरा है, जाके जल्दी फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज संडे, आज हमें इसकी वीडियो शूट करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मिलना है। के लिए मेरे को गुड़गांव जाना पड़ेगा मिलने के लिए। अभी टाइम बज रहा है 8:11 बजे तक वहाँ पहुँचना है, 2 घंटे वहाँ पहुँचने में लगते हैं, तो रूट नहीं पता भाई कहाँ से जाते हैं, देखते हैं कैसे। अभी हम लोगों ने मुकेश भैया को फ़ोन कर लिया, वो भी हमारे साथ जाएंगे, उनके साथ एक फ्रेंड और है वो भी हमारे साथ जाएंगे। आधे घंटे मुझे नामदे पहुंचना है, वहाँ से मैं उनको रिसीव करूँगा, फिर वहाँ से हम बस पकड़ के जाएंगे। बढ़िया भाई बढ़िया, हाथ मिला रहे हैं। मतलब देख रहे हो एक ट्रांजेक्शन में तुम्हारा भाई नागलोई से बस में आ गया। अभी 1 घंटा लगेगा दिल्ली के बॉर्डर पहुंचने में, उसके बाद गुड़गांव की हमें को बस पकड़नी है। भाई दोनों साथ में हमारे, अभी हम लोग गुड़गांव आ चुके हैं और जहाँ पे हमें आना था हमें लोकेशन पता थी लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, बस इतना पता है कि इस सेक्टर में आना है। अब सेक्टर तो बहुत बड़ा है, कहाँ जाएं घूमने के लिए, परेशान हो गए। अभी देखते हैं कौन सा रोड मिल जाएगा। ये बिल्डिंग है, अभी इस बिल्डिंग में जाना है हमें या फिर आगे वाली बिल्डिंग में जाना, अभी कुछ पता नहीं, देखते हैं। अब जैसे कुछ छोड़ा मत लियो, लोकेशन मिल गई है। अभी हम लोग जाके पहले बात कर लेते हैं कैसे कैसे हिसाब किताब है, और इनको बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहे हैं तो अभी कि अब कैसे होंगे, कैसे बात करेंगे, मतलब पहली टाइम हम जा रहे हैं यहाँ पे, देखते क्या होता है। अभी जैसे कि हम लोग मिल चुके हैं और मिलने के बाद में ज़्यादा कुछ खास मीटिंग नहीं रही हमारी, लेकिन फिर भी सही थी मीटिंग। अभी हम लोग घर जाना, लेकिन उससे पहले भूख बहुत तेज़ लग रही है यार, पहले खाना, क्योंकि ना तो पानी पिया अभी तक ना तो खाना खाया, पहले घूमते हैं। और लॉकडाउन है गुड़गांव में, लग हुआ है यहाँ पे, हरियाणा में लॉकडाउन लग हुआ है, दिल्ली में नहीं है, ठीक है। 2 दिन का लॉकडाउन है, सैटरडे और संडे, अब हम जा रहे हैं कुछ ठूसने, भूख लगी है। लव यू गाइस, बाय बाय। अभी जैसे कि आए हैं हम यहाँ पे, और दो प्लेट नान लगवाई हमने, दो प्लेट नान आई है और ये खाते हैं पहले, भूख बहुत तेज लगी है, कसम से लगी है। चूहे दूसरे पेट में प्लास्टिक के, एक प्लेट में सब खाने लगे हुए, सब लोग एक प्लेट में।
हाँ भैया, तुम्हारे भाई ने अब खाना खा लिया है, मतलब एकदम टन हो गए हैं बिल्कुल, खाना खा के मज़ा आ गया। पीछे बोतल लगोगी, मतलब पता नहीं क्यों टांग रखी है बोतल ये। अब हमें ऑटो ढूंढना है, ऑटो ढूंढ के सीधे घर की तरफ जाना है। अब कहाँ मिलता है ऑटो, ये पहली बार आया, कुछ पता नहीं है भाई। गर्मी के मारे हालत बुरी ख़राब हो चुकी है, पीछे फ्लाई ओवर गए जो सीधे दिल्ली को जा रहे हैं और इधर जयपुर को जा रहे हैं, और यहाँ के जो पैसे हैं ना, सीन है पता कहाँ के हैं, यहाँ के। पीछे मेरे गूगल की बिल्डिंग है, यहाँ पे सारे वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं और यहीं से हैंडल होता है पूरा गूगल, ठीक है। गुड़गांव में ही बिल्डिंग है, बाकी अब ऑटो पकड़ो, देर ज़्यादा हो रही है आज। हमारा भाई अब घर आ चुका है, डे का दूसरा दिन है और कल का दिन काफ़ी थका हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस सी हो गई थी, आके मैं बहुत जल्दी सो गया, ब्लॉग नहीं बना पाया। और आज का मौसम देख रहे हो ना भाई साहब, गजब हो रहा है।